अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ हब में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया। मैं और आयशा एक ही मदरसे में पढ़ते थे। एक दिन इमाम साहब ने मुझे आयशा के घर किताब लेने भेजा। मैं वहाँ गया तो मेरा चेहरा अफसुरदा था। आयशा ने कहा कि जुनेद, क्या हुआ है? मैंने कहा कि इतने दिन हो गए, आप अब मिलने ही नहीं आती हो। उसने कहा, अच्छा तुम किसी और दिन आना, मैं वादा कर रही हूँ हम ज़रूर मिलेंगे। मैंने कहा, पक्का वादा? आयशा ने कहा, हाँ पक्का वादा। मेरे चेहरे पर खुशी दौड़ गई और अचानक मुझे ख्याल आया कि इमाम साहब ने मुझे किताब ले आने को भेजा था। ये ख्याल आते ही मैं झट से उठा और आयशा भी उठी। टाइम देखा तो 10:12 हो रहे। आयशा ने जल्दी से किताब निकाल कर मुझे दी और कहा, अब जल्दी जाओ भी, कहीं इमाम साहब घर पर ही ना आ जाएं। मैंने आयशा से पूछा, फिर कब आऊं? आयशा ने कहा, देखो मैं बताऊंगी, लेकिन मेरे मदरसे का वक्त दोपहर तक है और इमाम साहब 2 बजे आते हैं और सुबह के टाइम अक्सर इमाम साहब घर पर होते हैं, इसलिए ऐसा करना तुम अगले जुमे को या हफ्ते को ही आना, बाकी दिनों में बड़ा मुश्किल है। अगर इमाम साहब सुबह घर पर ना होते तो फिर ठीक था, मैं तुम्हें बुला भी लेती, लेकिन सुबह इमाम साहब घर पर होते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में घर से निकलने लगा। मैं गली से निकलकर अगले गली में मुड़ा तो इमाम साहब आगे से आते हुए मुझे नज़र आए। इमाम साहब मेरे पास पहुंचे और थोड़ा नाराज़गी के साथ बोले, जुनेद इतनी देर कहाँ लगा दी थी? मैंने कहा, इमाम साहब असल में मुझे बहुत तेज़ पेशाब आ रहा था, इसलिए मैं घर चला गया था और अम्मी ने दुकान से कुछ लेने को भी बोला था, इसलिए बस मैं अभी अभी सामान दे कर आया हूँ। इमाम साहब मुझे माफ़ कर दें। इमाम साहब ने कहा, अच्छा बेटा जुनेद, कोई बात नहीं, लेकिन जुमा के टाइम जल्दी आना, तुम हमेशा आखिर में ही आते हो। मैंने कहा, जी इमाम साहब, और अपने घर की तरफ चल दिया। कुछ दिन बाद आयशा के घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। मैं थोड़ा हैरान हुआ, आज दरवाज़ा बंद है। फिर मैंने दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और आयशा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर बोली, तुमको क्या हुआ? मैंने कहा, याद नहीं आपको क्या? आयशा ने एक नज़र पीछे देखा और कहा, जुनेद अभी नवीद उठा हुआ है और वो खेल कूद रहा है, इसका डर है। तुम ऐसा करना, कल आना 1:15, जब इमाम साहब मुझे पढ़ाकर चले जाएंगे, फिर कोई नहीं होगा घर पर। आयशा की बात सुनकर मैंने अजीब से मूड के साथ कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन कल लाजमी। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझे सख्त गुस्सा आने लगा आयशा पर। ये आयशा भी ना बड़ी कोई आलम किस्म की औरत है। सही बात यह है कि औरत का मकर फ्रेब बड़ा मकरू होता है। 3:30 घंटे मैंने चाय के होटल पर बैठकर कुवारी काटी और जब बाजी के घर पहुंचा तो आगे से बहाने बनाते हुए बोली कि कल आना। मैं दिल ही दिल में कहने लगा, कल तो इसको नहीं छोड़ूंगा, कल इसको बताऊंगा कि इसने मुझे जितना तड़पाया। फिर मैं गुस्से में घर की तरफ चल दिया। टाइम इस वक्त 12 के करीब होने वाला था। थोड़ी देर घर के बाहर रुक कर मैं घर में दाखिल हो गया और बैग फेंक कर बेड पर सो गया। अगले दिन मैं नाश्ते करके घर से बाहर निकल और बाजी आयशा के घर की तरफ चल दिया। मैंने सोचा शायद इमाम साहब अब चले गए होंगे। आयशा के घर पहुंचा तो आज भी दरवाज़ा बंद था। मैंने गली में इधर उधर देखकर दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, बाजी नमोदार हुई और मुझे देखकर थोड़ी सी सहम गई, फिर अंदर आने का इशारा किया। मैं कमरे में पहुंचा, आयशा ने चारपाई पर गद्दा बिछा रखा था। मैंने सोचा शायद आयशा भी आज तैयारी करके रखी है। आयशा ने मेरी तरफ़ देखा और कहा, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तो मैंने कहा, नहीं चाय को छोड़ो बस। आयशा ने कहा, अच्छा अब तुम मना करोगे? फिर आयशा किचन में चली गई। मुझसे बेचैनी के आलम में बैठा नहीं जा रहा था। घड़ी पर टाइम देखा तो 12:50 हो रहे थे। मुझे अंदाज़ा था इमाम साहब 1:45 बजे मस्जिद में ही होंगे, सो मेरे पास 1.25 घंटे का टाइम था। आज मैं अपने अरमानों पर पानी नहीं फेरने देना चाहता था और हर हाल में आयशा को अपने दिल की बात बताना चाहता था। मेरे दिल में ख्याल आया कि किचन में जाऊं, लेकिन रुक गया। फिर 10 मिनट बाद आयशा किचन से चाय लेकर आई और खुद सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ गई और चाय पीते पीते मेरी तरफ देखने लगी। आयशा ने आज नीले कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी और ऊपर से काली चादर ले रखी थी। मैंने जल्दी जल्दी चाय ख़त्म की तो दरवाजे पर दस्तखत हुई, इसने मेरी जान निकाल कर रख दी। मैंने दरवाज़ा खुद खोला और देखा तो इमाम साहब थे और पढ़ाने आए थे। इमाम साहब ने कहा, जुनेद बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, इमाम साहब आज से मैं भी यहाँ ही क्लास लिया करूँगा, मस्जिद घर से दूर है और मैंने जल्दी घर जाना होता है, घर पर कोई नहीं होता। इमाम साहब ने कहा, ठीक है। मैंने जल्दी से इमाम साहब को सबक सुनाया और घर वापस आ गया और उसके बाद कभी वहाँ नहीं गया।